हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। यह योगा से रिलेटेड प्रैक्टिस नंबर 7 है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन, चाहे वह TGT, PGT, KVS, NVS, CLT, राजस्थान PTI, DSSP, कोई भी एग्जाम हो, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। सभी वीडियोस को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, जिसका आप प्रैक्टिस करना न भूलें। और डेली बेसिस पे जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ चैप्टर वाइज, उसका भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है कि लेप्रोसी यानी कि जिसे कोढ़ बोला जाता है, लेप्रोसी यानी कोढ़ को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? ऑप्शन है पद्मासन तथा मत्स्येन्द्रासन, सिद्धासन तथा गोमुखासन। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी ए एंड बी दोनों, पद्मासन, मत्स्येन्द्रासन, सिद्धासन, गोमुखासन। ये लेप्रोसी यानी कोढ़ को दूर करने के लिए उपयोगी आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आसन को क्या कहते हैं जिसमें शरीर चक्रीय मुद्रा में आ जाता है? जैसा कि आप सबको पता है, चक्रासन। ठीक है, नेक्स्ट है, टिड्डी नामक कीड़े से मिलता जुलता मुद्रा वाला आसन क्या कहलाता है? जैसे कि इसको हम शलभासन बोलते हैं, टिड्डी जैसी आकृति वाला। ठीक है दोस्तों, सभी आसनों के बारे में एक एक करके मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, एक एक आसन के बारे में बस MCQs पहले पूरा कर लूं। ये लास्ट MCQs है योगा का, उसके बाद सभी आसनों के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट है, सर्वांगासन में संस्कृत शब्द सर्वांग का क्या अर्थ है? यहाँ पे सर्वांग का अर्थ है सभी अंग। ठीक है, सभी अंग। नेक्स्ट है, भुजंगासन में किस जंगली जानवर की मुद्रा बनती है? भुजंग मतलब सर्प होता है, यह सर्प जैसी मुद्रा बनती है जैसे कि भुजंगासन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आसन जो कि ध्यान व जप के लिए लाभदायक है, जिसे मृत्यु आसन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पद्मासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मासन में पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, पद्मासन में पद का अर्थ है शाब्दिक अर्थ कमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के लोग किस सिद्धांत में विश्वास करते हैं? तो दोस्तों, जो ग्रीस के यानी यूनान के लोग हैं, वह स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण जो कि संस्कृत शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी इसमें संस्कृत शब्द प्राण जो इसका शाब्दिक अर्थ है आवश्यक शक्ति। क्या है? आवश्यक शक्ति, जैसे कि ऑक्सीजन जो है हमारे लिए आवश्यक शक्ति है। नेक्स्ट है, प्राणायाम का क्या उद्देश्य है? ए है शरीर में रहने वाली आवश्यक शक्ति को उत्प्रेरित करना, बी है शारीरिक शक्ति को नियमित तथा संतुलित बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन किन किन मुद्राओं में किया जाता है? जैसा कि आप सबको पता है, लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर। ठीक है, उपयुक्त सभी प्रकार से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? आसन है, योग को धूप में बैठकर करना चाहिए, योग करते समय भोजन भी करना चाहिए। ठीक है, ये तो एकदम गलत ऑप्शन है। सी है, योग समतल साफ व शोर रहित स्थान पर करना चाहिए। डी है, योग जटिल बीमारी की स्थिति में करना चाहिए। तो ये दोस्तों, इसमें आपको सही छाटना है। इसमें सही है, योग समतल साफ व शोर रहित स्थान पर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? इसमें आपको गलत छाटना है। तो हम देखते हैं, ए है, योग व्यक्ति के मन और आत्मा को संतुलन बनाए रखता है, ये तो सही है। बी है, योग को जटिल बीमारी और तेज बुखार की स्थिति में नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। सी है, योग रात में ही करना चाहिए, ये तो एकदम गलत है। ठीक, डी है, योग व्यक्ति की मानसिक कमियों को दूर करता है, ये भी सही है। यहाँ पे गलत क्या है दोस्तों? गलत है सी, योग रात में ही करना चाहिए, जबकि ज्यादातर सुबह में करना चाहिए। नेक्स्ट है, योग करने के लिए सबसे सही और आदर्श समय कौन सा है? जैसा कि आप सबको पता है, प्रातःकाल सबसे सही और आदर्श समय होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत है? इसमें आपको गलत छाटना है। ए है, योगासन से पूर्व हल्का भोजन लेना चाहिए, योगासन खर्चीला होता है, गर्भाधान के एकदम बाद स्त्रियों को योगासन नहीं करना चाहिए,
आसनों का अभ्यास करते समय शांत रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या गलत लग रहा है, योगासन खर्चीला होता है? आप भी बताइए योगासन में क्या खर्च है। कुछ भी खर्च नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत है, इसमें भी आपको गलत छाटना है। ऑप्शन है, योगासन करते समय धक्का या बल नहीं लगाना चाहिए। बी है, योगासन सिर्फ भीतरी अंगों की पर्याप्त कसरत करता है। सी है, योगासन मेरुदंड को लचीला बनाता है। डी है, योगासन द्वारा कब्ज, गैस, मधुमेह, रक्तचाप, सिर दर्द ठीक करता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको एकदम गलत लग रहा है? योगासन करते समय धक्के या बल नहीं लगाना चाहिए। धक्का बल नहीं लगाएंगे तो योगासन करेंगे कैसे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ज्यादा गलत लग रहा है। ठीक है, गलत लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गलत है, इसमें भी आपको गलत छाटना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ए है, इंद्रियों को वश में करने वाला योग है प्रत्याहार। ठीक है, ये आपका सही है। मन को स्वतंत्र रखने वाला योग है मंत्र योग, ये भी सही है। व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग कौन सा है? व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग लय योग है। क्या है? लय योग है, जबकि यहाँ पे भक्ति योग दिया है, यही आपका गलत होगा। एंड डी है, शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करने का योग हठ योग है, ये भी सही है। तो आपका इसमें कौन सा गलत है, इसमें कौन सा गलत है? व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग भक्ति योग है, यह आपका गलत है क्योंकि यह लय योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाना है आपको। यहाँ पे एक तरफ दिया है, मन को पवित्र करने वाला करने हेतु आवश्यक है, आपको इसमें सही जोड़े बनाना है। मन को पवित्र रखने हेतु क्या आवश्यक है? जैसा कि मन को पवित्र रखने हेतु प्राणायाम आवश्यक है, तो एक का बी हो जाएगा। ठीक है, एंड पुरानी कब्ज के उपचार हेतु उपयोगी आसन है तो क्या है? हलासन। तो दो का ए हो जाएगा। तीसरा है, योगी मत्स्येंद्र की देन है, तो आप सबको पता है मत्स्येंद्र आसन है, तो ठीक है डी हो जाएगा। एंड हनुमान आसन कहते हैं, तो दोस्तों वीरासन को हनुमान आसन कहते हैं, तो फोर का सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि टीबी व दमा के रोगियों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? तो यहाँ पे करेक्ट आसन हो ऑप्शन होगा शीर्षासन व सर्वांगासन। ठीक है, टीबी व दमा के रोगियों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? शीर्षासन एवं सर्वांगासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन के तीन अक्षर शिव, इंद्र तथा शुक्र ग्रह के द्योतक हैं? तो यह है आपका शलभासन। नेक्स्ट है, रक्त की अशुद्धता को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो यहाँ पे कुक्कुट आसन, शीर्षासन दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, रक्त की अशुद्धता को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? कुक्कुट आसन और शीर्षासन। नेक्स्ट है, योग के आठ चरणों में सामाजिक अनुशासन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यम के आठ चरण कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें से यम जो है सामाजिक अनुशासन के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के आठ चरणों में व्यक्तिगत अनुशासन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों नियम को व्यक्तिगत अनुशासन के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आता है। तो दोस्तों ये था आपका योगा से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। तो दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो भी योगा से रिलेटेड एमसीक्यूज था उसे मैंने पूरा कर दिया। एंड और भी जो होंगे उसे भी मैं बताऊंगी, और जो जितने भी आसन हैं और जितने भी छूटे हुए थ्योरेटिकल पार्ट हैं उस सबको मैं पूरा करूंगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे बेहतरीन तैयारी के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।